भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सबसे चर्चित स्थान 56 पर आज हम मौजूद है घमासान.com के साथ। चलते हैं 56 की एक यात्रा पर। 56 नाम जितना ही छोटा है उतना ही बड़ा इसका इतिहास है। सालों से इंदौर में मौजूद यह स्थान काफ़ी चर्चित है। यहाँ पर नगर निगम ने करोड़ों के प्रोजेक्ट मंजूर करने के बाद यहाँ पर एक अलग ही स्टाइल का 56 तैयार करा है। नए नए टाइल्स और रोड को हटाकर नया स्थान बनाया गया है जहाँ बैठने के लिए उतनी अच्छी जगह और स्थान दिए गए हैं। लोग यहाँ पर आराम से लजीज खाने के साथ आनंद ले सकते हैं। विजय चाट हाउस के लजीज पैटीज, अग्रवाल स्वीट की लजीज मिठाइयाँ और शाम सैंडविच के मज़ेदार सैंडविच के कारण 56 की रौनक लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि 56 है इतना सुंदर, स्वस्थ और पर्यावरण इतना सुशील दिखता है। यहाँ का साफ और सुंदर 56 में आज हम मौजूद हैं। 56 बहुत ही पुरानी चर्चित स्थान है इंदौर का। आप देख सकते हैं आकाश नमकीन के स्वादिष्ट नमकीन के साथ हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्थान बनाया गया है बैठने के लिए। 56 को इतना सुंदर और स्वच्छ बनाने का श्रेय पूरा नगर निगम को दिया जाता है। ये साफ और सुंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा बनाई गई डस्टबिन अलग ही स्टाइल में बनी गई डस्टबिन है। अब हम मौजूद है जॉनी हॉट डॉग के विजय राठौर जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया भैया साहब। 56 को अच्छा बनाने के बाद ही 3 दिन बाद ही लॉकडाउन लगने के कारण आपको कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो क्या सर, इसको नुकसान तो नहीं बोल सकते, एक प्रकार की आपदा थी हम लोगों पे, तो इसको तो हम लोगों को सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और इसको मिटाना पड़ेगा, इस बीमारी को सब लोगों को एक साथ लड़के। अभी प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ऑर्डर्स की संख्या में क्या कुछ परिवर्तन दिखा है, ज़्यादा है या कम है? हमको जैसे क्या है कि शुरू दिन तो थोड़ा ऑर्डर मिला, फिर उसके बाद में मेरा आज 5वां दिन है, लेकिन 5 दिन में मैंने देखा थोड़ा थोड़ा बढ़ा, क्योंकि जो लोग खा रहे हैं वो दूसरों को बोलते हैं कि हमने खाया, तो हिम्मत खुल रही है अब लोगों की। अब हमको बिजनेस को कैसे बनाना वो बड़ा कठिन है, और ऐसे ही सब लोग मिलके ही सारे बिजनेसों को आगे ये सब लोग मिलके ही बढ़ाएंगे, क्योंकि खाने के अंदर जब हम देख रहे हैं कि इतना लोग परहेज कर रहे हैं, सब्जियाँ ला रहे हैं उनको धोते हैं, तो बना हुआ खाना खाने में बड़ा संकोच है लोगों को। अच्छा जी, आप अभी कितने, मतलब आप जोमेटो के अलावा कौन कौन से डिलीवरी ऐप्स पर डिलीवरी करवा रहे हैं? हम लोगों को 2 लोगों को परमिशन मिली है, जोमेटो पे और स्विगी पे मिली है, इन लोगों के थ्रू हम पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को स्वस्थ और सैनिटाइज्ड पूर्ण खाना पहुंचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या है साहब, जैसे जो खाना बना रहे हैं हम लोग, तो हैंड ग्लोव्स का काम कर उसमें हमने लगा रखे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं हम पूरा, हमारा सब हमने मशीन खरीदी थी और पूरे दुकान में हम 2 बार सैनिटाइज भी करते हैं और हाथों को भी धोते हैं, हम आधा आधा घंटे में हम हाथ धो रहे हैं, हमारा बरोबर धो रहे हैं हम साबुन से। दूसरा नंबर हमारा खाना जो हम सोच रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी सब लोगों के बीच में जाए, क्योंकि हमारा खाना भी जो है ऊर्जावान है, एक ऊर्जा पैदा करेगा और कोरोना के लड़ाई में बहुत साथ देगा ये सब। अच्छा, आपके यहाँ अभी जो स्टाफ आ रहा है, हाँ जी, वो सैनिटाइज पूर्ण है कि नहीं? पूरा अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि वो सैनिटाइज पूर्ण होगा। आपके यहाँ अभी स्टाफ की इतना ही स्टाफ काम कर रहा है जितना पहले करता था और उतने ही शिफ्ट में काम हो गया है? नहीं, मेरे सब लोग जो बाहर चले गए, मेरे 2 भतीजे मेरे संग में काम करते थे, एक मेरा भांजा है वो भी मेरे संग में काम करता है, मेरा बेटा और मैं भी करते हैं, और एक मेरा पड़ोसी है, तो हम लोग एक ही जगह से आते हैं, पहले टेम्परेचर देखते हैं हम सब लोगों का, रजिस्टर नोट करते हैं और फिर सब हम बिल्कुल साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, क्योंकि हमको भी तो बचना है साहब, हमारे खाने वालों को बचाना है लेकिन पहले हमको भी बचना है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा सतर्कता रखे हुए हैं और बिल्कुल हम नियंत्रण करते रहेंगे, जैसी गाइडलाइन मिलेगी हमको सरकार की तरफ से वैसे हम उसका पालन करेंगे। जैसा कि आपने देखा विजय राठौर जी बिल्कुल सैनिटाइज पूर्ण खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितनी अच्छी तरीके से वो लोग टेम्परेचर नापते हैं, उसको बिल्कुल रिकॉर्ड के साथ लिखते हैं। धन्यवाद। जॉनी हॉट डॉग के मालिक विजय राठौर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वे हॉट डॉग बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं और अब तक उनका काम कैसे चल रहा है। सर, मुझे मेरी दुकान खोले हुए मेरे को 43 साल तो हो गए, तो मैं पहले तो मैं काम करता था, वैसे मेरे को 52 साल हो गए होटल लाइन में, पहले काम करता था मैं जगह जगह, तो मैं जो है सर मैंने ये देखा है कि मेरे ग्राहक को जो है खाना बिल्कुल ऊर्जावान मिलना चाहिए, तो मैंने
ऐसी पकड़ करी साहब कि जैसे घी जो मैं फीवर लगाता हूँ, लेकिन फीवर घी के साथ मैं एक चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ कि वो गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है। गाय और भैंस का मिक्स घी अभी मेरे पास में आता है बन के, वो वापरता हूँ मैं। गाय एक ऐसा हमारा पशुधन है साहब जो दूध देता है। गाय जब देखना आप, जब गाय बछड़ा देती है वो, तो उसके आधे पौन घंटे के अंदर ही बछड़ा अपना आप उठता है, और जैसे ही माँ का दूध पीता है वो, तो 4 से 5 घंटे में आप फिर उसको पकड़ नहीं सकते हो। पहला पशु है ऐसा दुधारू जो इतनी फास्ट परफॉर्मेंस देता है सब। तो मैंने देखा मैंने कि बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है सर ये, तो मैंने जो है देसी घी में ही बनाना शुरू करा है कि जो बच्चे खाते हैं, जो लोग खाते हैं, उनको कुछ ना कुछ उसके ऊर्जा मिले। मेरा सिर्फ यही मकसद है, और मैं सब शहर के बदौलत में यहाँ पे पहुँच गया। मेरे पास तो एक छोटा सा झोपड़ी में रहने वाला था मैं, सब चीज़ मेरे को दे दी यहाँ पे शहर ने, पूरे शहर ने। ये शहर बहुत हीरों का, स्मार्ट लोगों का शहर है साहब। बहुत ये शहर चाहे जिसको ऊँचाई पर पहुँचा देता है, जिसको चाहे गिरा देता है। ये शहर बहुत अकलमंद लोगों का शहर है, और इसने मुझे बहुत कुछ उपलब्धि दी सर शहर ने, और मैं इसका ऋणी हूँ हमेशा। और मैं अभी भी काम जो कर रहा हूँ, जैसे मेरे गाइडलाइन मिली है, साफ़ सफाई ये वो सैनिटाइज वगैरह सब, और हैंड ग्लोव वगैरह फूड वाले वापर रहे हैं हम, सारी चीज़ों का हम हर गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।